मार्स के आसमान में सतर्क सूचना दिया जाता है क्योंकि यहाँ एक सीप लैंड करने वाला है। सीप के लैंड करते ही उसमें से जोकर जैसे दिखने वाले नियांस बाहर आते हैं, जिन्हें लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ लाया गया है। उधर नियान सेटलमेंट के अंदर रॉ को बंदी बना लिया गया है। ड्रोन बोर्ड के थ्रू नाओमी उससे कहती है, लगता है पुलिस को किसी तरह से जुबाल के मर्डर के बारे में पता चल गया है। उन्होंने एक सिक्योरिटी फोर्स भेजा है, चलो यहाँ से भाग चले। उन्हें परवाह नहीं है कि ये किसने किया है, वो बस नियांस को डिस्ट्रॉय करने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं। रॉ कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लगता है किसी ने उन्हें इसके बारे में इंफॉर्म किया है। नाओमी पूछती है, और क्या तुम्हें लगता है कि ये फैंटम वार्ड ने किया है? रॉ कहती है, अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो वो अपने आप मेरे पास आ जाएगा। ये सुनकर नाओमी कहती है, क्या तुम सच में रॉ हो? बेटा तुम तो बड़े हो गए हो। ये सुनकर रॉ मुंह फुला के बैठ जाती है। नाओमी कहती है, ओके तो मैं जल्दी वहाँ। रॉ उसके बात को काटते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है। नाओमी कहती है, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ये मेरी खुद की इच्छा है, क्योंकि मैं अलिथिया का कोई टूल नहीं हूँ और ना ही तुम। रॉ कहती है, ओके ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस टाइम रॉ के पास कुछ नियांस आते हैं, उनमें से एक नियान डोस म्यान उससे सवाल जवाब करता है। ये तीनों नियांस आपस में यही बात कर रहे थे कि हमें पता नहीं है कि ये लड़की किलर है या नहीं। इसके अलावा एक नियान दूसरे नियान को मार नहीं सकता है, देखते हैं वो इस बारे में क्या कहती है। तुम यहाँ क्यों आई थी? रॉ कहती है, मुझे बुलाया गया था। डोस म्यान पूछता है, क्या जुबाल ने तुम्हें बुलाया था? रॉ इस सवाल का जवाब नहीं देती है। पुलिस के फर्स्ट प्लाटून और सेकंड प्लाटून सीएफएन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। डूसमैन अभी भी रॉ से सवाल जवाब कर रहा था। डूसमैन कहता है, क्या हुआ, हमें जवाब दो, अगर तुम निर्दोष हो तो क्या तुम किसी को बचा रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? रॉ कहती है, रॉ रेड स्टार। डूसमैन पूछता है, तुम्हारा डेट ऑफ क्रिएशन? रॉ कहती है, मुझे पता नहीं है। डूसमैन फिर पूछता है, क्या तुम पृथ्वी से आई हो? तुम अलिथिया का एक एजेंट हो ना? मुझे लगता है ये नियान सेटलमेंट में तुम्हारा पहला दिन है, तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ नियांस को यहाँ फंसा हुआ देखकर और उनके आज़ादी को लूटा हुआ देखकर? जुबाल ने कहा था तुम नियांस की आशा हो, क्या तुम उन्हें प्रोटेक्ट करोगी? लगता है जुबाल गलत था। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान पुलिस वाले एक एक करके सारे नियांस को खत्म कर रहे हैं। डोसमैन आगे कहता है, तुम नियांस को बचा नहीं सकते, तुम्हें आज़ादी से रहना चाहिए। उन्हें मारो जिन्हें तुम मारना चाहती हो और उन्हें बचाओ जिन्हें तुम बचाना चाहती हो। मैं भी तुम सारा फिजियल्ड को बचा सकती थी। रॉ इसका कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी सारे नियांस अंदर आने लगते है। रॉ खुद को आजाद करके खड़ी हो जाती है। डूसमैन कहता है, देखो उसे, वो हमें मारना चाहती है। सारे नियांस ये सुनकर रॉ को मारने का डिसीजन लेते हैं। वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। रॉ कहती है, रुक जाओ, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। तभी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस हमला कर देते हैं। उनमें से कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जुबाल का डेड बॉडी मिल जाता है। रॉ नियांस को बचाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करती है। इस टाइम डॉक्टर अब्दुल का नियान असिस्टेंट रियोन आकर रॉ से कहता है, रॉ इस बिल्डिंग को घेर लिया गया है, मेरे पीछे आओ। नाओमी को यहाँ सभी नियांस का लोकेशन मिलता है पर डूसमैन का लोकेशन नहीं मिलता है। तभी वो इस नियान सेटलमेंट के ठीक बाहर इन्वेस्टिगेटर आस का लोकेशन पाती है। वो उनके पास आकर कहती है, क्यों ना आप मुझे भी इसके अंदर ले चले। इन्वेस्टिगेटर आस पूछते है, तुम अलिथिया से हो ना, तुम नियान सेटलमेंट के अंदर आने के लिए अलिथिया से अथॉरिटी क्यों नहीं लेती? नाओमी कहती है, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है और मैं भी यहाँ आपको रेड फिगर का आइडेंटिटी मिल जाए। इन्वेस्टिगेटर आस कहते हैं, ओके ठीक है, मैं साथ हूँ। कार्ड्स को डराकर ये लोग सेटलमेंट के अंदर आते है। एक जगह पे पहुँचने के बाद रियोन कहता है, हम नियान सेटलमेंट के साउदर्न साइड पर है, जो जगह हेविली गार्डेड है, पर तुम्हारे एबिलिटीज से
हम बच जाएंगे। दूसरी ओर इन्वेस्टिगेटर आस और नाओमी डूसमैन का पीछा कर रहे होते हैं। आगे आने के बाद रॉ पूछती है, मेरे एबिलिटी से तुम्हारा क्या मतलब था? रियोन कहता है, वेल तुम एक स्पेशल नियन हो ना। रॉ पूछती है, क्या तुम्हें लगा नहीं था कि मैं एक इंसान हूँ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक नियान हूँ? रियोन घबराते हुए कहता है, वो मुझे सीएफएन में किसी ने बताया था, शायद। रॉ कहती है, तुमने जुबाल को मारा है या मे बी ड्रूसमैन ने? रियोन कहता है, नहीं मैंने नहीं मारा, मुझे बस तुम्हें बुलाने के लिए कहा गया था। ये कहकर रियोन उसे किसी चीज से इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद रॉ बेहोश हो जाती है और उसे सपने में वो सब नियंस दिखते हैं जिन्हें उसने मार दिया है, जैसे कि सारा फिट्ज़गेराल्ड। उनके साथ उसे रियोन भी दिखता है। रॉ टेंशन में आ जाती है। उधर नाओमी को पता चलता है कि यह डूसमैन के भेष में ग्यालियन है, क्योंकि ग्यालियन रूप बदल सकता है। दोनों के बीच फाइट होती है। ग्यालियन रॉ के पीछे था, पर अब उसे नाओमी के साथ निपटना पड़ेगा। रॉ अपने सपने में दिखने वाले रियोन का गला दबाने लगती है, जिसके बाद वो रियल दुनिया में आ जाती है। उसी टाइम इनके सामने डॉक्टर अब्दुल आते हैं। रियोन उनके आगे बार बार माफी मांगता है, पर डॉक्टर कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में उसे अंदाजा भी नहीं था। वो उसे मार देते हैं। उनके हिसाब से नियांस मूर्ख है जो वो फ्रीडम की आशा कर रहे है, जबकि फ्रीडम तो बस एक इल्यूजन है। इसी के साथ वो एक अलग ही रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ग्यालियन नाओमी के गले के पास खंजर रखकर उसे कहता है, रॉ लगता है शो अभी स्टार्ट हो गया है, पर दुख की बात यह है कि हम इसे देख नहीं पाएंगे, पर अगली बार हमें अच्छा सीट जरूर मिलेगा। वैसे तुम हो कौन? नाओमी कहती है, नाओमी ऑर्थमैन। हमें पता चलता है कि डॉक्टर अब्दुल ही फैंटम वॉर्ड है, 9 इमोर्टल्स में से एक, और अब रॉ के साथ फैंटम वॉर्ड का एक धमाकेदार फाइट होता है। वॉर्ड कहता है, रियोन की तरह तुम भी फ्रीडम पाना चाहती हो, पर फ्रीडम पाने का बस एक ही तरीका है। यहाँ एक तरीका से उनका मतलब है मौत। रॉ फाइट करते हुए कहती है, तुम गलत हो। एक बड़े धमाके के साथ रॉ उन्हें हरा देती है और उनका आर्मर ले लेती है। आखिर में वो बेहोश हो जाती है। इस टाइम हम उन जोकर नियंस को नियंस सेटलमेंट की ओर आते हुए देखते हैं। आगे क्या होगा इसी सस्पेंस के साथ इस एनीमे का ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। सायोनारा।